उज्जैन जिले में लगातार नशे का कारोबार फल फूल रहा है। नशा तस्कर बिना किसी खौफ के नशे का कारोबार कर रहे हैं। एक बार फिर खाचरौद पुलिस ने एक मकान में दबिश देते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। दरअसल पूरा मामला खाचरौद मुख्यालय का है, जहां से 7 किलोमीटर दूर गांव घिनौदा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक बार फिर मकान में दबिश दी, जहां से कैलाश उपाध्याय नाम की बुजुर्ग को उठाया गया। ग्रामीणों ने जानकारी देकर बताया कि यहां पर तकरीबन 18 से 20 वर्षों से कैलाश नशा का व्यापार कर रहा है। यहां नशा खरीदने का अड्डा बनाया गया है। नशेड़ियों की रोज लाइन लगती है और गुजरात को जोड़ने वाली BOT रोड पर होने के कारण बाहर से स्मैक की तस्करी होती रही है। इस नशे के कारोबार में युवा पीढ़ी ज्यादा देखने को मिल रही है। चिंटू जो गांवी भाषा में चिंटू बोला जाता है, और ये लोग बहुत बिगड़ गए और चोरी अन्याय भी बहुत चल रही है गांव में। इस कारण से पुलिस वालों ने उसको उठा के ले गए। जो नशा जो करते हैं तो झंडू मतलब सफ़ेद क्या सफ़ेद पाउडर कैसा इसमें इसमें रहता है। हाँ जैसे अपन पाउडर जैसा रहता है। आपने देखा कितनी बजार से कुछ आप खुद यहाँ पे रहते हैं तो आप बहुत बात है। क्या करते हैं वो जिसको ले जाके वो कहाँ से लेते हैं वो जो कैलाश जी पर उपाध्याय के यहाँ से। अच्छा 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 मतलब आप भी जब देख रहे हैं यहाँ पर गांव के अंदर की जो एक युवा लोग बच्चे बच्चे जो कम उम्र के बच्चे हैं किशोर अवस्था पढ़ने लिखने वाले 18 से 20 साल 33 साल 40 साल तक के युवा आ रहे हैं और सुबह आते हैं 8 बजे से लगा के शाम को 10 बजे तक काफ़ी संख्या में 150-200 की संख्या में यहाँ पे युवा पीढ़ी आ रही है। अच्छा ये कब से चल रहा है? ये हमको तो लगभग 7-2 साल हो गए देखते देखते यही चल रहा है और काफ़ी प्रशासन से बहुत सी बार शिकायत भी करी है, इसके बारे में रिपोर्ट है, FIR भी करवाई है और चोरी का मामला भी सामने आया है। ये झंडू लोग जो होते हैं यहाँ पे गाँव में आए दिन चोरियाँ करते हैं, इसके कारण हमने काफ़ी बार रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है, बाकी कोई कार्रवाई नहीं होती। इनको पकड़ के ले जाते हैं वापस छोड़ देते हैं, इनको इसको भी 2-3 बार उठा के ले गई पुलिस और वापस छोड़ देती है। आपके हिसाब से आप जैसे पूरे जिले भर में नशे की कार्रवाई के ऊपर जो कार्रवाई चल रही है प्रशासन की, इस तरह से कार्रवाई कोई मतलब यहाँ मेरे हिसाब से प्रशासन को ये युवा पीढ़ी आए दिन नशे का शिकार हो रही है, इसके लिए प्रशासन को ये जो बिल्डिंग है इसी को गिरा देनी चाहिए यहाँ से और इसको पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए। जिस व्यक्ति को आज पुलिस यहाँ से ले गई है उस व्यक्ति को आज मतलब कितने वर्षों से वो कर रहा होगा, कितनी बार उसको पुलिस ले गई है आपको मैं जानना चाहता हूँ। पुलिस काफी बार उसको यहाँ से उठा के ले गई है, तकरीबन 10-12 बार। बिल्कुल बिल्कुल बराबर 10-12 बार ले गई, तो बार बार उसी व्यक्ति को ले जाता है। हाँ क्योंकि वो ही यहाँ पे देखा जाए तो व्यापारीकरण कर रहा है इस चीज का। तो छूटने कारण क्या उसके पास सबूत नहीं मिलता है या क्या? पुलिस ने यहाँ तक हमने जांच में हमने पूछा भी सही पुलिस से भी, बोले बार बार इस अपराधी को आप क्यों छोड़ रहे हैं और इससे जब मालूम है कि ये मादक पदार्थ बेच रहा है खुलेआम बेच रहा है, बोले इससे वो पुलिस का कहना है कि उसके पास कुछ मिलता नहीं है और उसको पकड़ने से कोई मतलब नहीं, ऐसा कहकर पुलिस उसको वापस छोड़ देती है। आज जो ले गए ऐसा कुछ आपको लगा है कि कुछ पुलिस में बदलाव होना चाहिए? आज जो ले जिस व्यक्ति को आज पुलिस यहाँ से ले गई है उस व्यक्ति को आज मतलब कितने वर्षों से वो कर रहा होगा, कितनी बार उसको पुलिस ले गई है आपको मैं जानना चाहता हूँ। पुलिस काफी बार उसको यहाँ से उठा के ले गई है, लेकिन तकरीबन 10-12 बार। बिल्कुल बिल्कुल बराबर 10-12 बार ले गई, तो बार बार उसी व्यक्ति को ले जाता है। हाँ क्योंकि वो ही यहाँ पे देखा जाए तो व्यापारीकरण कर रहा है इस चीज का। तो छूटने कारण क्या उसके पास सबूत नहीं मिलता है या क्या? पुलिस ने यहाँ तक हमने जांच में हमने पूछा भी सही पुलिस से भी, बोले बार बार इस अपराधी को आप क्यों छोड़ रहे हैं और इससे जब मालूम है कि ये मादक पदार्थ बेच रहा है खुलेआम बेच रहा है, बोले इससे वो पुलिस का कहना है कि उसके पास कुछ मिलता नहीं है और उसको पकड़ने से कोई मतलब नहीं, ऐसा कहकर पुलिस उसको वापस छोड़ देती है। आज जो ले गए ऐसा कुछ आपको लगा है कि कुछ पुलिस बदलाव होना चाहिए? आज जो ले गए खाचरौद से कान्हा चौधरी की रिपोर्ट।